What is up guys, और ROG Phone 5 series जो है वो launch हो गई है इंडिया में and overall फिर से जो है Asus ने best gaming smartphone जो है वो बना दिया है, तो उसी के बारे में complete जो है video launch होगी and yes ये जो है तीन smartphone है इस बार, ROG Phone सिर्फ एक नहीं है, ROG Phone 5, ROG Phone 5 Pro and ROG Phone 5 अल्टीमेट, तीन स्मार्टफोन हैं उनको जो है इस वीडियो में कवर करेंगे। बट इफ यू आर न्यू टू द चैनल मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट, दिस इज निखिल, यू आर वॉचिंग टेक्स्ट एंड दिस वीडियो अबाउट ROG Phone 5 सीरीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन में जो हमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है, वही जो है बैक में सिमिलर जो है हमें डिज़ाइन देखने को मिल रहा है, बट थोड़ा सा जो है स्मार्टफोन जो है थोड़ा ज़्यादा बड़ा और हेफ्टी जो है नज़र जरूर आ रहा है, बट बैक का मेजर मेन जो डिज़ाइन है लोगो जो रहता है वो जो है थोड़ा डिफरेंट है, बट कैमरा मॉड्यूल सेम उसी एरे में जो है लगा हुआ है, तो उस मामले में थोड़ा सा जो है ROG को थोड़ा और वर्क करना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा न्यू या थोड़ा ज़्यादा सा जो फ्लैशी डिज़ाइन है तो ज़्यादा मेरे ख्याल से बेटर होगा, बट उतना ज़्यादा कोई मेजर अपग्रेड नहीं दिख रहा डिज़ाइन में, बट ओवरऑल जो मिनिमल थोड़ा सा जो अप्रोच देने का ट्राई किया है ROG लोगो में देखने को मिलता है साथ साथ, वो जो है ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा जो बढ़िया लगता है एंड गेमिंग स्मार्टफोन के हिसाब से तो फॉर श्योर वो बढ़िया ही है। और बट एक चीज़ और है, जो प्रो एंड अल्टीमेट है ना उसमें पीछे पीमोलेट डिस्प्ले जो हमें देखने को मिलता है जो कि कस्टमाइजेबल है, तो वो चीज़ बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है, अगर आपको कस्टमाइजेशन पसंद है और आपको अगर गेमिंग एंथुजियास्ट हो तो उस मामले में ना आपका प्रो एंड अल्टीमेट बहुत ही ज़्यादा जो है नेक्स्ट लेवल आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर देंगे, वो भी बैक की बात कर रहा हूँ अभी मैं सिर्फ। फ्रंट की हम बात करें तो हमें वही ऊपर और नीचे अगेन जो है बेजल्स देखने को मिलते हैं, बट ये गेमर जो है प्रेफर करते हैं क्योंकि थोड़ा सा जो हैंड रेस्ट करने को थोड़ी सी जगह मिलती है तो ज़्यादा जो है वो अच्छी बात रह जाती है क्योंकि एक्सीडेंटल टचेस जो है वो नहीं देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ उसका फायदा ये भी होता है कि ROG फोन में भी जो है बेजल्स हैं जिसके कारण ये जो है फ्रंट फायरिंग स्पीकर जो है वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उस मामले में भी जो है अच्छा। वहीं हम बात करें फ्रंट के डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले जो हमें 6.78 इंच का फुल एचडी प्लस एमोलेड पैनल देखने को मिलता है, तो उसमें कोई भी कमी नहीं है। वहीं रिफ्रेश रेट जो हमें 144 हर्ट्ज का देखने को मिलता है एंड उसके साथ साथ 300 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट देखने को भी जो हमें मिलता है स्मार्टफोन में, एंड साथ ही 24.3 ms के टच लेटेंसी जो है वो भी देखने को मिलती है हमें स्मार्टफोन स्क्रीन में, तो उस मामले में भी स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़िया है। एंड साथ ही इसका ROG लोगो जो है ना बैक में उसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हो जस्ट टू मेक श्योर। बाकी हम इंटरनली बात करें तो इसमें हमें स्नैपड्रैगन 888 चिपसेट जो देखने को मिलता है जो कि ऑलरेडी एक्सपेक्टेड ही था इस प्राइस रेंज पे, और साथ ही साथ अगर एक गेमिंग बीस स्मार्टफोन आप बनाने जा रहे हो तो उसमें टॉप ऑफ लाइन चिपसेट तो देना जो वो बनता ही है, तो चिपसेट के मामले में भी कोई भी जो वो इशू नहीं रहने वाली। बट एक और चीज़ है, इसमें जो एरो कूल एक्टिव कूलर 5 जो ROG ने और ऐड किया उससे पता चलेगी, मतलब जैसे आपके पीक परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा टाइम तक जो आपकी सस्टेन हो पाएगी, क्योंकि मोस्टली स्मार्टफोन में रहता है कि जैसे स्टार्टिंग में इवन इफ अगर आप फ्लैगशिप्स की बात करो तो स्टार्टिंग में तो वो अच्छा परफॉर्म करते हैं ड्यू टू देयर चिपसेट, बट ओवर द टाइम ऑफ यूजेस आधे घंटे एक घंटे डेढ़ घंटे बाद जो है स्मार्टफोन की पीक परफॉर्मेंस कम हो जाती है, तो अगर आप मतलब बिल्कुल ही गेमिंग गेमर हो ई स्पोर्ट्स प्लेयर हो तो उस मामले में भी एक दो घंटे बाद आप मतलब एक दो घंटे भी जो खेले नहीं बैठे उससे ज़्यादा ही जो है लगातार खेलोगे तो उस मामले में जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स है वो जो है दिक्कत दे देते हैं, वो कहीं ना कहीं स्टटर करने लग जाते हैं डेढ़ दो घंटे बाद। वहीं ROG फोन जो है वो नहीं करेगा बिकॉज इसका कूलिंग सिस्टम ज़्यादा जो है वो बेटर है, तो इस मामले में बिल्कुल ही जो है स्मार्टफोन गेमर के लिए ही बना है, तो इसमें जो है पीक परफॉर्मेंस थोड़े ज़्यादा टाइम तक जो है सस्टेन करेगी, थोड़े ज़्यादा नहीं काफ़ी ज़्यादा टाइम तक जो सस्टेन कर जाएगी इजीली। उसके अलावा बात करें कुछ कुछ चीज़ें जो अच्छी हुई हैं जो कि इसमें 3.5 mm हेडफोन जैक जो हमें फिर से देखने को मिल रहा है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा जो बढ़े क्योंकि सब जानते हैं कि 3.5 वायर्ड हेडफोन्स की क्वालिटी हमेशा ही जो वो बेटर रहती है एंड उतने ज़्यादा टाइप सी के हेडफोन जो वो है भी नहीं, वरना आपको जो स्प्लिटर जो है लगाना पड़ता है या फिर टाइप सी टू 3.5 mm हेडफोन जैक का जो है कन्वर्टर आपको लगाना पड़ता है, तो ये जो काफी अच्छा मूव कहूंगा मैं 3.5 mm हेडफोन जैक पहले से ही देना, तो ये काफी ज्यादा जो बढ़िया चीज बन जाती है। और इसके अलावा बात करें एक और जिस पे कस्टमाइजेबल लेवल पे नेक्स्ट लेवल पे गई है Asus, वो है आपका एयर ट्रिगर, तो बट अब जो है इतने सारे ऑप्शन दिए आप उनको डिवाइड कर सकते हो टू डिफरेंट, टोटल जो आपको 4 एयर ट्रिगर देखने को मिल जाएंगे एंड उसके अंदर भी, और ये सारी चीज़ें जो है पर गेम बेसिस पे जो आप सेट कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार सेट करे तो हर गेम पे वैसे ही चलेगा, आप हर गेम पे डिफरेंट गेस्चर का डिफरेंट जो है एक्शन सेट कर सकते हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा जो नेक्स्ट लेवल चीज़ हो जाती है। वहीं इसके कैमरे के बारे में अगर जानना चाहते हो, उसका प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का देखने मिलता है, उसके साथ 13 मेगापिक्सल का हमें अल्ट्रा वाइड लेंस है और वहीं एक और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर देखने को मिलता है, बट ROG स्मार्टफोन के हमेशा से जो कैमरा उतने अच्छे जो वो नहीं रहते, फॉर द प्राइस दे आर डिसेंट इनफ, अच्छे जो है कैमराज मैं नहीं कहूँगा इनके, बट बैटरी की वहीं हम बात करें तो बैटरी अगेन जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, 6000 mAh जो हमें बैटरी देखने को मिलती है एंड उसके साथ 65 watt का हाइपर चार्जर जो है वो भी जो है इसके साथ हमें उसका सपोर्ट जो है वो देखने को मिलता है, तो ये भी बहुत ही बढ़िया
चीज़ है। एंड 0 to 50% जो है वो अंडर 15 मिनट जो करके दे देगा। तो चार्जिंग के मामले में भी स्मार्टफोन बहुत ही ज़्यादा जो है बढ़िया है। बट एक चीज़ जो मतलब चार्जिंग सपोर्ट इतनी अच्छी देगी, बट एक चीज़ जो गलत करी गई है वो है कि इस स्मार्टफोन के साथ जो है 65 वॉट का चार्जर जो हमें देखने को नहीं मिलता। स्मार्टफोन के साथ आपको सिर्फ 30 वॉट का जो है वही चार्जर जो है इंक्लूडेड होगा बॉक्स में। तो ये चीज़ बाइक है, क्योंकि मेरे ख्याल से एटलीस्ट अल्टीमेट या प्रो वाले वेरियंट में जो हमें 65 वॉट का चार्जर जो है इन द बॉक्स लाना चाहिए था, बट वो जो है वो नहीं आ रहा है। सिर्फ 30 वॉट का चार्जर जो है वही आएगा बॉक्स में। तो यही एक जो काइंड ऑफ मुझे गलत बात जो लगी है उसकी तरफ से। मेरे ख्याल से अगर सपोर्ट दे रहे हैं तो वो चार्जर साथ में इंक्लूड करना चाहिए था। वहीं हम बात करें दो और स्मार्टफोन की, जो कि बेसिकली है रोग 5 प्रो एंड अल्टीमेट। बेसिकली नॉर्मल एंड इन दोनों स्मार्टफोन में उतना ज़्यादा जो है खास वैसे डिफरेंस नहीं है। अकेला डिफरेंस जो ये है वो है बैक का है। तो बैक पैनल जो है वो 5 प्रो एंड अल्टीमेट में हमें, जैसे कि मैंने पहले था, मुझे पीमोलेट डिस्प्ले जो देखने को मिलता है, मतलब आप उसको जो अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा जो बढ़िया चीज़ हो जाती है। एंड एक और चीज़ है कि इनके बैक में जो है एक्स्ट्रा टच बटन, टच सेंसर जो है वो भी देखने को मिलता है। बैक साइड की मैं बात कर रहा हूँ, ऊपर एयर ट्रिगर्स की नहीं, बैक साइड में हमें एक्स्ट्रा टच सेंसर जो है वो भी देखने को मिल जाते हैं। तो इस मामले में जो 5 प्रो एंड अल्टीमेट एडिशन, ये थोड़ा सा जो है थोड़ा ज़्यादा एज जो है वो देते हैं नॉर्मल फोन फाइव से। बट ओवरऑल मैं मतलब इनको लिटरली उतना जो है अपग्रेड नहीं करूंगा मैं नॉर्मल फोन से। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि बैक में हमें बहुत ही ज़्यादा जो अच्छा देखने को मिल जाता है, पीमोलेड डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बन जाती है। वहीं हम बात करें प्राइस की, तो प्राइस जो है रोग फोन 5 की वो पड़ देगी आपको 50,000 की फॉर 8/128 वेरियंट, 58,000 फॉर 12 GB रैम एंड 256 वेरियंट। वहीं हम 5 प्रो की बात करें तो वो सिंगल वेरियंट में जो है वो मिलेगा आपको 16 GB रैम विद 512 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज एट 70,000 एंड 80,000 पे आपको रोग फोन 5 अल्टीमेट देखने को मिलेगा 18 विद 512 GB ऑफ रैम। अब हम प्राइस के हिसाब से बात करें तो मेरे हिसाब से रोग फोन 5 प्रो एंड अल्टीमेट जो है वो थोड़े से जो है मुझे कॉस्टली ज़्यादा जो है वो लग रहे हैं। रीज़न भी क्योंकि इसमें और नॉर्मल रोग फोन 5 में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि बैक का जो है हमें एक एक्स्ट्रा डिस्प्ले देखने को मिलता है पीमोलेड, जो कि कस्टमाइजेबल है, एंड टच सेंसर जो है वो एक्स्ट्रा है। तो उसके लिए करीब करीब 10,000 एंड अल्टीमेट के लिए 20,000 ज़्यादा देना वो थोड़ा सा जो है मुझे गलत डील लग रही है। मेरे हिसाब से अगर इनके और बेटर प्राइस करते तो ज़्यादा बेटर होता। बट वहीं हम रोग फोन 5 की बात करें ना, वो बहुत ही ज़्यादा जो सही तरीके से प्राइस हुआ है। 50,000 पे आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो अगर आपका मेजर मेन फोकस जो है वो गेमिंग रहने वाला है तो फॉर श्योर आपको रोग फोन 5 पे ही जो है वो जाना चाहिए, क्योंकि इसकी पीक परफॉर्मेंस बहुत ही देर तक जो है वो चलेगी एंड इतनी सारे ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं पर गेम। तो अगर आपको गेमिंग से रिलेटेड ही फ़ोन चाहिए था ना, तो दिस इज़ द फोन टू गेट इट। क्योंकि अगर आप कभी भी टॉप स्मार्टफोन जो है वो चेक करोगे गेमिंग के लिए तो वो मोस्टली जो है आईफोन पे ही जाएगा। वहीं 50,000 के अराउंड जो है न्यू आईफोन तो जो कोई भी नहीं है। तो उस मामले में रोग फोन 5 बहुत ही ज़्यादा जो है वो किलर डील बनकर आ जाती है, क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस है और इतने अच्छे तरीके से जो है एजूस ने सुना है सारे अपनी कम्युनिटी को। तो उस मामले में रोग फोन 5 बहुत ही ज़्यादा जो बढ़िया स्मार्टफोन बन जाता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा जो पसंद आया रोग फोन 5। वहीं अल्टीमेट और 5 प्रो बहुत ही अच्छे स्मार्टफोन ज़रूर हैं, बट प्राइसिंग मुझे लग रहा है थोड़ी सी जो है वो ज़्यादा हो गई है फॉर व्हाट दे ऑफर ओवर रोग फोन 5। बाकी आप बताना कि आपको स्मार्टफोन कैसे लगे, आप ये जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगे। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। दिस इज निखिल साइनिंग ऑफ, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।